एमएस स्कूल में जो आज जो इंसिडेंट हुआ जो के बच्चे के ऊपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की वजह से उसकी आंख की ऐनक फूटकर आईने कांच से उसके बच्चे की आंख डैमेज हुई। बच्चे के पेरेंट्स इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किए। मैं बोला पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। लोग हॉस्पिटल लेकर गए बच्चे को। डॉक्टर्स ने कहा कि 2-3 पार्ट में उसकी सर्जरी करना पड़ेगा मुख्तलिफ हिसाब के अंदर। तो इतने कम उम्र बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा अलाउ करता मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सख्ती ना करने का स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी पाबजाई करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। बहरहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको ना आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना बच्चों को पढ़ाने के काबिल है वो टीचर। पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन दिया है। हम यही कहेंगे, पुलिस से भी हमने कहा है कि वो FIR कर वो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और स्कूल इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वैसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें, और बच्चे का पूरे का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर आयद होगी। स्कूल इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे टीचरों को ना रखे। अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीके से आप भी मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपका काम है कि बच्चों के वालदेन से बात करें, उनसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट, छोटा मासूम बच्चा है उसका पूरे से पूरा उसका ट्रीटमेंट होना, हर किस्म की जिम्मेदारी पूरे अखराजात हो या जो भी हो हर चीज़ की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर रहेंगी। और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ़ भी एक्शन, उसके खिलाफ हमने पुलिस को कहा है कि उसके खिलाफ़ कानूनी तौर के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आँख रेस्टोर होना ज़रूरी है, वो कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतज़ाम है स्कूल के अंदर, कैमरा लगाना, जो कोई चीज़ की वहाँ पर सहूलत नहीं है वो चीज़ के ऊपर भी उनको देखना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ़ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं यही कहूँगा कि पहले बच्चे की आंख रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी है, मासूम बच्चा है, उसके ऊपर ना सिर्फ इंतज़ामिया अपने टीचर को बचाने आए बल्कि बच्चे की रेस्क्यू के अंदर आना इंतज़ामिया का काम है। उनके भरोसे के ऊपर टीचर के भरोसे के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं भेजता स्कूल को। मैनेजमेंट इंतज़ामिया के भरोसे के ऊपर, उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को आपके हवाले कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे की आँख रेस्टोर होना, उसके लिए वालदेन फिक्रमंद है, परेशान है। जितना वालदेन परेशान है उससे ज़्यादा इंतज़ामिया को भी परेशान होना चाहिए उसके लिए। मेरे भतीजे का नाम अब्दुल्ला अबू बकर है। उन्होंने MS क्रिएटिव स्कूल में पढ़ते हैं, मलकपेट ब्रांच में, नलगुंडा पेट्रोल पम्प के बाजू जो ब्रांच है वो ब्रांच में उन्होंने पढ़ते हैं। आज दोपहर में ये हुआ कि उनकी तेलुगु टीचर है ना, उनको मॉब से जो क्लीन करते वो मॉब से है ना, उन्होंने उनकी राइट आई पे मारे। राइट आई पे मारने से ये हुआ कि उनका आँख फट गई और उन्होंने ऐनक पहनते, ऐनक पहनने से ऐनक की कांच फूट के उसके अंदर चली गई और आँख फूट गई और एक रेटिना का छोटा पार्ट फूट गया, नीचे कट गया। तो मेरे भाई को कॉल आया कि भाई छोटी सी बहस हो गई, आप आइए बोलकर। जब हमारे भाई गए तो वहाँ पता ये चला कि भाई ये सीवियर केस हो गया बोलकर। वहाँ पे जब गए तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है अवेलेबल, खाली रिसेप्शन पे जो स्टाफ रहता वो स्टाफ था खाली, ना CCTV कैमराज है वहाँ पे, ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जाके हम जब देखे हमारे बच्चे को देख के हम पूछे कि भाई क्या हुआ, उन लोगों का उल्टा हम आपको ये बोल रहे, ये बातें तो सब हो सकते, आप जाइए जाके है ना पहले हॉस्पिटल में बताइए बोल के। वहीं से हम लोग है ना बच्चे को है ना LV प्रसाद बंजारा हिल्स हॉस्पिटल में है ना शिफ्ट करे। वहाँ जाके पता ये चला कि भाई उसको है ना मल्टीपल सर्जरी करना पड़ेगा बच्चे को, और 3 से 4 सर्जरी होंगे उसके। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये मुतालबा कर रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट से और वो टीचर के साथ जितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते लेना। ख़ास तौर से अहमद बलाला साहब का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मदद करे ये मामले में, और वैसे हर मामले में मदद करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना या मुझसे कांटेक्ट में रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बलाला साहब की बहुत मदद रही इसमें। और हम तमाम पुलिस ऑफिसरों से भी यही गुजारिश करते हैं, यही मुतालबा करते हैं कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि और कोई बच्चे के साथ ऐसा
हादसा ना हो। और बच्चा क्लास में है ना बात नहीं सुन रहा था, तो बच्चे को है ना 7 साल का है बच्चा, तो बच्चे को मॉब से मारे, फिर उसके बाद पीठ पे मारे, कहते पीठ पे निशाना है बच्चे के, और जब मार रहे थे जब उसके मुंह पे थूका गया, टीचर थूके थूक के ये बोले कि भाई तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा को मार ही दूंगी मैं, बोल के बोले ऐसा है। तो टीचर का नाम टी ललिता है, लता तेलुगु टीचर, तेलुगु टीचर। बच्चे का नाम अब्दुल्ला अबू बकर है, उन फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल माजिद इमरान है, मैं चाचा हूँ लड़के का। अपने चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशनल मिनिस्टर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले और हो सका तो ये स्कूल का लाइसेंस ही कैंसिल कर दे। ये मलकपेट नलगुंडा ब्रांच के बाजू, पेट्रोल पंप के बाजू गली में है ये ब्रांच।